प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की एवरीवन। खुदावन यीशु में आप सब की सलामती हो और उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। जो कलाम आप सब लोग जानते हैं कि मैं आज कवनेंट के ऊपर बोलने जा रही हूँ, जो कलाम मैं आज बोलूँ वो आप लोगों की जिंदगियों में ठहर जाए, घर कर जाए और आप उसको समझने वाले हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए दूसरा सैमुएल, उसका 9 बाब, 1 से 9 आयत तक मैं पढ़ूंगी। सेकंड सैमुएल चैप्टर 9 वर्स 1-9। हालेलुया। सेकंड सैमुएल चैप्टर 9 वर्स 1-9। फिर दाऊद ने कहा, क्या सैमुएल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं यूनतन की खातिर मेहरबानी करूं? और साउल के घराने का एक खादिम बेनाम जीबा था, उसे दाऊद के पास बुला लाए। बादशाह ने उससे कहा, क्या तू जीबा है? उसने कहा, हाँ तेरा बंदा वही है। तब बादशाह ने उससे कहा, क्या साउल के घराने में से कोई नहीं रहा ताकि मैं उस पर खुदा की सी मेहरबानी करूं? जीबा ने बादशाह से कहा, यूनतन का एक बेटा रह गया है जो लंगड़ा है। तब बादशाह ने उससे पूछा, वो कहाँ है? जीबा ने बादशाह को जवाब दिया, देख वो लूदीबार में एमीएल के बेटे मकेर के घर में है। सो दाऊद बादशाह ने लोग भेजकर लूदीबार से एमीएल के बेटे मकेर के घर से उसे बुलवा लिया। और साउल के बेटे यूनतन का बेटा मफूबसत दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिरकर सजदा किया। तब दाऊद ने कहा, मफूबसत? उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप यूनतन की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा और तेरे बाप साउल की सारी जमीन तुझे फेर दूंगा और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया करेगा। तब उसने सजदा किया और कहा, तेरा बंदा है क्या चीज जो तू मुझ जैसे मरे कुत्ते पर निगाह करे? तब बादशाह ने साउल के खादिम जीबा को बुलाया और उससे कहा कि मैंने सब कुछ जो साउल और उसके सारे घराने का था तेरे आका के बेटे को बख्श दिया है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। तो इस पैसेज में हम इन आयात पे हम जब गौर करते हैं तो आप लोगों के जहन में क्या आता है? मेरे जहन में तो ये आता है कि दाऊद उसके ऊपर मेहरबानी क्यों करना चाह रहा था? यूनतन के बेटे मफूबसत के ऊपर वो मेहरबानी क्यों करना चाह रहा था? जबकि अगर हम यूनतन के बाप को देखें, उस नस्ल को देखें, तो साउल और दाऊद की तो दुश्मनी थी। साउल तो हर वक्त दाऊद को कत्ल करने के डर पे रहता था। और यहाँ भी हम देखते हैं कि जो दाऊद है वो मेहरबानी करना चाह रहा है साउल के पोते के ऊपर। तो असल वजह ये थी कि वो साउल की वजह से नहीं, वो यूनतन की वजह से मफूबसत के ऊपर, यूनतन के बेटे के ऊपर मेहरबानी करना चाहता था। वो इसलिए कि यूनतन और जो दाऊद थे वो दोनों कवनेंट में थे, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और उन्होंने आपस में कवनेंट बांधा हुआ था। और उस कवनेंट की वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि दाऊद की जो रूह थी उसे चैन नहीं था, उसे सुकून नहीं था और वो ढूंढ रहा था कि यूनतन तो मर चुका है, साउल भी मर चुका है, मगर उसने कहा कि कोई ऐसा है जो साउल के घराने में, यूनतन के घराने में कोई ऐसा बंदा बचा जिसके ऊपर मैं मेहरबानी कर सकूं? तो क्या हुआ कि वो जब भेजता है उसको, अपने खादिम को भेजता है, तो वो कहता है अगर कोई बचा तो उसको बुलाकर मेरे पास लेकर आ। और वो कहता है उसका एक ही बेटा बचा है और वो लंगड़ा है। एक तो उसके पास कुछ बचा नहीं है, फैमिली खानदान सब कुछ खत्म हो गया, और जो एक बच्चा है वो भी किसी काम का नहीं है, वो भी लंगड़ा है। हालेलुया। तो आए मेरे साथ देखें कि हम कवनेंट पर अगर गौर करते हैं जो दाऊद और जोनाथन ने एक दूसरे के साथ बांधा था, क्योंकि कवनेंट की हम बात तो कर रहे हैं लेकिन
शायद कुछ लोग कभी बाइबल खोल के देखते नहीं होंगे, उसको कभी शायद गौर से पढ़ते नहीं होंगे, या कुछ लोगों को शायद कवनेंट के बारे में पता नहीं होगा, तो वो शायद ऐसे सोचेंगे कि सिस्टर समीना जो कह रही है बाइबल से पढ़ के ही बोला होगा, ठीक ही कह रही होंगी। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो वो भी बात ठीक है, मैंने ऑफ कोर्स मैंने पढ़ के उसको स्टडी करके ही मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन उसका एक हम प्रूफ देखेंगे फर्स्ट सैमुअल उसका चैप्टर 18 वर्स 1-4। पहला सैमुअल चैप्टर 18 वर्स 1-4। हालेलुया। जब वो साउल से बातें कर चुका तो यूनतन का दिल दाऊद के दिल से मिल गया कि यूनतन उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा, और साउल ने उस दिन से उसे अपने साथ रखा और फिर उसे उसके बाप के घर जाने ना दिया। और यूनतन और दाऊद ने बहम अहद किया क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तब यूनतन ने वो कबा जो वो पहने हुए था उतार कर दाऊद को दी और अपनी पोशाक बल्कि अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमरबंद तक उतार कर दे दिया। तो ये सब उसने क्यों किया? क्योंकि वो उसके साथ कवनेंट बांध रहा था। कवनेंट बांध कब बांधा जाता है? जब आपको किसी के साथ प्यार होता है, जब आपको किसी के साथ मोहब्बत होती है। पहले मोहब्बत होती है, आपका दिल मिलता है, आपकी रूह मिलती है, फिर आप उसके साथ कवनेंट में आते हो, आप एक रूह हो जाते हो, एक आपकी सोल टाइज हो जाती है उस बंदे के साथ। और ऐसे ही मसीह ने भी हमें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत की और उसने अपनी जान ही कुर्बान कर दी हमारी मोहब्बत के लिए। हालेलुया। हालांकि अगर देखा जाए तो उस टाइम पर जो जोनाथन था वो एक बादशाह का बेटा था और दाऊद एक आम सा लड़का था, एक आम सा इंसान था, लेकिन फिर भी उसकी मोहब्बत, उसका जो प्यार था, उसने उसको मजबूर कर दिया कि वो दाऊद के साथ कवनेंट को बांधे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जैसे यूनतन ने अपनी कबा और अपनी पोशाक दाऊद को दी, वैसे ही यीशु मसीह ने अपना लहू हमारी बॉडीज में एक्सचेंज कर दिया। कैसे एक्सचेंज किया? जब हम मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं तो हम एक आम इंसान से, एक वो जो रॉयल ब्लड हमारे बदन में आ जाता है तो हम चेंज हो जाते हैं, हम एक आम इंसान से खास बन जाते हैं। तो वैसा ही मसीह ने भी हमारे साथ किया है, हम यीशु मसीह के वसीले से बाप के साथ कवनेंट में आ गए हैं, अहद में आ गए हैं हम। अगर दाऊद ने यूनतन की पोशाक पहनी तो वो एग्जैक्ट यूनतन जैसा ही दिखता होगा। समटाइम्स क्या होता है, अगर किसी ने किसी का सूट पहना होता है बहनों ने, तो अगर आप सही से फेस नहीं देख पाते तो आपको पीछे से लगता है ये वही खड़ी हुई है। तो अगर उसने उसकी पोशाक पहनी थी तो वो यूनतन की तरह ही लगता था। और जैसे एक आम लड़का, एक दाऊद जो आम इंसान था, बादशाह के बेटे के साथ कवनेंट में आ गया, ऐसे ही हम भी आ जाते हैं मसीह में, उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं जब हम उसको अपना लेते हैं। एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी बात है कि आप किसी बादशाह के घराने के साथ उसके कवनेंट में आ जाओ। मैं कहती हूं कि आपकी जनरेशन ही बदल जाती है, आपकी पहचान ही बदल जाती है। तो इसकी मैं एग्जांपल आपको एक देना चाहूंगी कि अगर किसी का कोई फ्रेंड होता है, अगर वो पुलिस में है, बल्कि एग्जांपल मैं किसी की नहीं दे रही एग्जैक्टली, ये एक लड़का था हमारे घर में प्रेयर के लिए आता होता था और उसकी डिजायर थी कि वो पुलिस को ज्वाइन करे, लेकिन इन सम वे वो कर नहीं पाता था क्योंकि वो ऑब्वियसली सो मैनी थिंग्स होती हैं और वो उनको उस टेस्ट को पास नहीं कर पा रहा था, तो वो प्रेयर के लिए आता था। और उसके लिए जब प्रेयर होती थी, पास्टर पीटर उनके लिए प्रेयर करते रहे और खुदावंद के फजल से वो पुलिस को ज्वाइन कर पाया। तो क्या होता है कि जब हमारा कोई फ्रेंड ऐसे किसी अच्छी बड़ी पोस्ट पे होता है ना, तो फिर जो उसका दोस्त होता है वो ऐसे ही फखर करता रहता है, वो पुलिस वाला मेरा दोस्त है। वो अगर वो पुलिस वाला आपका दोस्त है और आप उसी बात पे इतना फखर कर रहे हैं, तो अगर बादशाह के बेटे के आप दोस्त होंगे तो फिर आप कितना फखर करेंगे।
फिर आसपास के लोग कहते हैं यार मेरी भी जरा सिफारिश कर दे, तेरा बड़ा अच्छा दोस्त है वो। और वो सिर्फ दोस्त नहीं है, बच्ची बड़ी अच्छी हाई अथॉरिटी पे है वो। और इसकी एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं कवेनेंट की, तो अक्सर जो गैर कौमों के लोग है ना, वो जब बहुत जगहों पे जाकर थक जाते हैं, उसके बारे में मैं आगे चल के आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन एक एग्जांपल पहले ये सुनिए, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है कि मैं क्वेटा में जब मैं नर्सिंग कर रही थी, तो वहां पे मेरे कुछ सीनियर्स थे जो कि क्योंकि क्वेटा आप सब लोगों को पता होगा कि थोड़ा टेररिस्ट किस्म का वो जो है ना वो शहर है, तो वहां पे क्या हुआ कि हॉस्पिटल में एक दिन टेररिस्ट घुस गए थे और उन्होंने पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया था। तो क्या हुआ कि जो सारी जो नर्सिस थी, जो डॉक्टर्स थे, वो एक कमरे में सारे बंद थे और वो सिर्फ देख रहे थे कि अभी या तो हम मर जाएंगे या फिर हो सकता है कि कोई वे आउट हो कि हम यहाँ से बाहर निकल सकें और हमारी जान बच सके। तो वहां पे बलोची लड़कियां थी, सिंधी थी, मुस्लिम थी, मे भी एक दो बीच में क्रिश्चियन भी होगी, लेकिन जो मेरी सीनियर थी जिसे मैं जानती हूँ वो क्रिश्चियन थी। तो क्या हुआ कि वो सब अब दुआएं कर रहे हैं कि मतलब अपने अपने खुदाओं से वो कर रहे हैं कि हमारी जान छूट जाए, हमारी जान बच जाए, हम यहाँ से बच के निकल जाए, वो सब दुआएं कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। और एंड ऑफ द टाइम उन्होंने जो क्रिश्चियन लड़की थी उसको बोला, वो कहते हैं क्रिश्चियन लोगों की दुआ बड़ी सुनी जाती है, जो क्रिश्चियन लोगों का खुदा है ना वो सुनता है, वो जवाब देता है, तो उसको कहते हैं तू दुआ कर। तो कहती है अच्छा मैं दुआ करती हूँ। अब डरे हुए ऑब्वियसली उस टाइम पे सभी थे, लेकिन जब क्रिश्चियन लड़की ने दुआ की जो मेरी सीनियर थी, उसने जब दुआ की और कहती है जैसे ही मैंने दुआ की है, तो वो टेररिस्ट जो था वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो रूम का जो डोर था उससे पीछे हटना शुरू हो गया। और कहती है एक छोटी सी सुराख थी डोर के अंदर जिससे हम उसे सिर्फ देख सकते थे कि उसकी अब उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो आगे बढ़ रहा है, वो पीछे जा रहा है, या वो क्या कर रहा है। और एक छोटे से सुराख से कहती हमने उसे देखा, और वो कहती जैसे मैंने दुआ की तो वो टेररिस्ट जो था वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गया। और उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो विंडो से निकले हैं या वो ज्यादा दूर चला गया तो वो डोर से बाहर आए हैं, लेकिन बहरहाल सीखने की और समझने की और जो मौजदे की बात ये है कि उन सब की जान उस एक लड़की की वजह से बच गई थी क्योंकि वो क्रिश्चियन थी। लेकिन उन सबको ये नहीं पता था कि ये क्रिश्चियन लोगों की दुआ सुनी क्यों जाती है। क्या ऐसा उनके पास, हमारे पास भी वही मुंह है जो उनके पास है, हमारे पास भी वही जुबान है जो उनके पास है, मगर उनके पास वो खुदा नहीं है जो हमारे पास है, और उनके पास वो कमनेंट नहीं है जिसके अंदर हम है। वो ये तो कह देते हैं कि क्रिश्चियन लोगों की दुआ सुनी जाती है, क्रिश्चियन लोगों का जो खुदा है वो बड़े मौजदे करता है, लेकिन एक्चुअली उनको बीच में ये नहीं पता कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो खुदा के साथ कवनेंट में है। और कवनेंट की एग्जांपल मैंने जो आपको दी है जोनाथन की और दाऊद की, कि उसने अपना कमरबंद उतार के दे दिया, उसने अपनी पोशाक उतार के उसको दे दी। और कवनेंट का जो असूल है उसमें ये होता है कि दो लोगों के बीच में होता है, दो लोगों के बीच में या दो पार्टीज के बीच में। और जब आप कवनेंट में बनते हैं जो सब कुछ उसका होगा वो आपका हो जाएगा, और जो सब कुछ मेरा या किसी का होगा वो सब उसका हो जाएगा। ये एक एक तरह से कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि हाँ तेरा सब कुछ मेरा होगा और मेरा सब कुछ तेरा होगा। हालेलुया। तो क्या हुआ कि अगर हम बाइबल में देखते हैं तो जब दाऊद और जाति जूलियत की लड़ाई हो रही थी, तो दाऊद ने जाति जूलियत को क्या बोला था, मैं अगर अपनी सोच से मैं बोलती हूँ तो वो उसको बड़ा गुस्सा आया था और उसने कहा यू अनसर्कमसाइज्ड मैन। तो उसका क्या मतलब था, क्या उसका खतना नहीं हुआ था, वो जिस्मानी खतने की बात नहीं कर रहा था, वो उसको ये कहना था कि तू तो कवनेंट में नहीं है, तू किधर की बातें कर रहा है, तू मेरे से जीत नहीं सकता, तू तो दुनियावी हथियार लेकर आया हुआ है जो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इसलिए उसने कहा यू अनसर्कमसाइज्ड मैन। तो क्या हुआ, उसने कहा कि तू अनसर्कमसाइज्ड है मगर मैं खुदा के साथ कवनेंट में हूं, तू अपने जितने मर्जी हथियार लेकर आ जा, लेकिन जिस खुदा के साथ मैं कवनेंट में हूं ना, वो यहोवा खुदा के नाम से मैं तेरे पास आता हूं। और वो आप सब जानते हैं कि वो यहोवा खुदा के नाम से जब आया था तो उसे फतह अभी भी हुई,
इतने बड़े, अभी मैं कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं हूँ जितनी मैं दिख रही हूँ, लेकिन मैं अगर यहाँ तक भी अपना हाथ लेकर जाऊं तो वो उससे भी बहुत ऊपर था और बहुत ऐसे लाइक जान में भी ज्यादा था, मोटा था। तो एक मेरे जैसा इंसान अगर दुनियावी तौर पे देखे तो उसको देख के वैसे ही डर जाए कि नहीं, मैं तो इसे एक मुक्का भी नहीं मार सकती, मैंने इसको कहाँ से हराना है, मैंने इसको कहाँ से मारना है। लेकिन दाऊद जैसे के मे भी, जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर इतना बड़ा आदमी हो, लंबा हो, मोटा और मैं हूं, तो शायद वैसे ही दाऊद भी था। लेकिन दाऊद ने खुदा के नाम से और उस कवनेंट में रहते हुए जीत को लिया था। हालेलुया, दाऊद आपका शुक्र करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो क्या था, खुदा के साथ वो कवनेंट में था। अब जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि जैसे गैर कौमों के लोग, मैं किसी भी गैर कौम का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड जेंटाइल्स। आप सब जानते हैं कि उनमें से कौन कौन आ सकता है और कौन कौन है, ठीक है। और वो थक जाते हैं, हार जाते हैं कि अब कोई चारा नहीं बचा, और कहीं ना कहीं से दूर दराज से पता चलता है, किसी पास्टर से दुआ करवाओ, किसी क्रिश्चियन से दुआ करवाओ, तब आपको शिफा मिल सकती है, तब आप ठीक हो सकते हो। तो फिर क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि खुदा हमारी दुआ क्यों सुन रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि उनका भी वैसा ही मुंह है, उनकी भी वैसी जुबान है जैसे हम बोलते हैं, लेकिन असल में बात क्या है, क्या जहां अगर हम सोचे तो क्या हम बहुत ज्यादा खूबसूरत है इसलिए खुदा हमारी दुआ सुन रहा है, क्या हम बहुत ज्यादा अमीर है, क्या हमारा खुदा लालची है कि इसके पास बहुत पैसे है, मैं इसकी दुआ पहले सुन लेता हूँ, या हम बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं और उन अच्छे कामों की वजह से खुदा हमारी दुआ सुनते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मगर खुदावन जो हमारी दुआ सुनते हैं, खुदावन जो हमें जवाब देते हैं, खुदावन जो हमारे साथ होते हैं, वो उस कवनेंट की वजह से जो जीसस के वसीले से हमारे साथ उन्होंने बांधा हुआ है। वरना हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसी पावर नहीं है, कोई मौजजात की कुदरत नहीं है, लेकिन वो कवनेंट जो है उसके अंदर हम और मैं और आप लोग बंधे हुए हैं। हालेलुया। बल्कि हम खुदा के साथ क्या है, यीशु मसीह के वसीले से कवनेंट में बंधे हुए हैं। इतनी बड़ी बात है ना कि आई थिंक आप लोगों को समझ आ रही है कि कवनेंट एक इतनी बड़ी चीज के हम कौन है और खुदा ने हमारे साथ कवनेंट बांधा है। खुदा का शुक्र करते हैं उसके फजल के लिए, उसकी ग्रेस के लिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो सब जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कवनेंट का, कि जो सब तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, तो ऐसे ही जब लोग कहते हैं कि इनसे दुआ कराओ, तो जो काम मसीह करता था इस जमीन पर रहते हुए और वो अभी भी अपने पाक रूह के थ्रू करते हैं, वही काम हम भी करते हैं। इसलिए वो कहते हैं, उन्हें कवनेंट का तो पता नहीं है, लेकिन इसलिए वो कहते हैं कि इनसे दुआ कराओ इससे राम आ जाएगा, इससे दुआ कराओ यहाँ पे मौजजा हो जाएगा। हालेलुया। तो बाइबल में हमें पांच किस्म के कवनेंट मिलते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पांच किस्म के कवनेंट हमें मिलते हैं जिनके ऊपर हम थोड़ा सा गौर करेंगे, उसके बाद हम अपना जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ जाएंगे। नून का कवनेंट, नोइक कवनेंट, इब्राहिमिक कवनेंट, मूसा का कवनेंट, दाऊद का कवनेंट, और फिर न्यू कवनेंट जो हमारे और मसीह के साथ है, मसीह ने हमारे साथ बांधा हुआ है। हालेलुया। तो नूह के साथ खुदा ने क्या अहद बांधा था, क्या कवनेंट खुदा ने नूह के साथ किया था कि आज के बाद मैं इस जमीन के ऊपर कभी ऐसा तूफान नहीं लेकर आऊंगा और इस दुनिया को मैं ऐसे तबाह बर्बाद नहीं करूंगा। और उसका साइन क्या खुदा ने दिया था, रेनबो एक दिया था कि ये देख, ये मैं तुझे साइन देता हूं कि आज के बाद मैं इस जमीन को ऐसे तबाह नहीं करूंगा। इब्राहिम के साथ खुदा ने क्या वादा किया, क्या कवनेंट था खुदा का इब्राहिम के साथ, कि तू कौमों का बाप होगा। तो क्या वो कौमों का बाप नहीं बना, वो बना है कौमों का बाप, और हम सब जानते हैं कि वो आज भी कौमों का बाप है। मूसा के साथ खुदा ने क्या अहद किया था, मूसा के साथ खुदा ने क्या कवनेंट था, कि मैं तुझे
मिस्र से इन लोगों के साथ निकाल कर लेके जाऊंगा और वादे की जमीन में लेकर जाऊंगा। बेशक बहुत सारे लोगों ने बीच में नाफरमानी की, मगर खुदा ने उस वादे को तोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। मगर जिन्होंने नाफरमानी की उनको सजा जरूर मिली कि वो वहीं पे मर गए बियाबान में। लेकिन क्या हुआ कि जैसे हम कवनन की बात कर रहे हैं, जो बाप दादा के साथ कवनन खुदा ने बांधा हुआ था, उससे खुदा ने स्टिल पूरा किया कि जो नस्ल आगे नई नस्ल थी उसे खुदा वादे की सरजमीन में लेकर गए। खुदावन ने अपना कवनन पूरा कर दिया है। दाऊद के साथ खुदा ने क्या कवनन किया था? दाऊद के साथ ये कवनन किया था कि तेरे तख्त के ऊपर बैठने के लिए आदमी की कभी कमी नहीं होगी। हालेलुया, तेरे तख्त के ऊपर बैठने के लिए तेरे घराने में आदमी की कमी नहीं होगी। और नया अहद, न्यू कवनेंट जीसस ने हमारे साथ बांधा हुआ है अपने लहू के वसीले से। फॉरगिवनेस ऑफ सिन एंड एवरलास्टिंग लाइफ का कवनेंट बांधा हुआ है, हमेशा की जिंदगी का, गुनाहों से माफी का वादा, सॉरी गुनाहों से माफी का अहद, वो बांधा हुआ है उन्होंने हमारे साथ, ठीक है। और जो जैसे यहोवा खुदा ने उन सब अहद को पूरा किया, उन सब गवर्नेंस को हमारे साथ पूरा किया है, तो मेरे साथ देखिए स्तिष्णा की किताब उसका चैप्टर 7:9। स्तिष्णा की किताब चैप्टर 7:9। हालेलुया। सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। वो अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। तो खुदावन जो हमारा खुदा है वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ कितनी पुश्त तक करता है वफादारी, कितने पुश्त तक वो अपने कवनेंट को निभाता है, 1000 पुश्त तक वो निभाता है। तो क्या हुआ, ऐसे ही दाऊद ने भी किया, उसने भी उस कवनेंट को याद किया जो उसने जोनाथन के साथ बांधा हुआ था। हालेलुया, वो 1000 पुश्त तक निभाता है, जबकि जोनाथन भी मर गया, दाऊद साउल भी मर गया, मगर दाऊद को अपना कवनेंट याद था। वो ढूंढ रहा था कि मैं किसके ऊपर मेहरबानी करूं। ऐसे ही हमारा मसीह भी हमें ढूंढता है, जो खोए हुए हैं, जिन्होंने मसीह को जाना नहीं है, जिनको कवनेंट के बारे में पता नहीं है, वो ढूंढते हैं मैं किसके ऊपर मेहरबानी करूं, मैं किसको बचाऊं। इसलिए वो अपने लोगों को तैयार करते हैं कि जाओ उनको बचाओ, मेरे बारे में बताओ उनको। वो तबाह हो रहे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं, उन्हें एवरलास्टिंग लाइफ का पता ही नहीं है, मगर हमारा खुदा बैठा हुआ है रेडी 1000 पुस्तक बरकत देने के लिए। हम तो इस काबिल थे ही नहीं और ना हम हैं। ये उसका फजल है, ये उसका रहम है, ये उसकी ग्रेस है हमारे ऊपर, कि वो ना सिर्फ हमें, हमारे बच्चों को, और पता नहीं हमारे बाप दादा, कितने बाप दादा गुजर गए, उन्होंने कितनी दुआएं की होंगी, क्या क्या दुआएं की होंगी, और शायद उन सब दुआओं का, उस कमनेंट का जो नतीजा, वो आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आज आप सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये सब क्या है, ये उस कमनेंट की निशानियां हैं। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ दोबारा हम देखेंगे 2 Samuel 9 उसकी 1-9 verse जो मैंने स्टार्ट में पढ़ा था। Samuel 9:1-9 verse यूनाथन के साथ कमनन की वजह से दाऊद के बेटे मुफोबसत के ऊपर रहम किया जा रहा था। लेकिन वो क्या हुआ, जब उसे बुलाने के लिए भेजा तो क्या हुआ, इसमें लिखा है verse 8 में लिखा हुआ है, सॉरी 7 में लिखा है, दाऊद ने उससे कहा मत डर। एक्चुअली अगर मैं 6 से पढ़ती हूँ, और साउल के बेटे यूनाथन का बेटा मुफोबसत दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बाल गिरकर सजदा किया।
तब दाऊद ने कहा, मेफीबोशेत। उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। उसने मुंह के बल गिरकर सजदा किया। यहाँ पे लिखा है मुंह के बल गिरकर, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है कि वो पूरा यू जमीन के ऊपर लेट गया था, क्योंकि वो डर गया कि एक बादशाह मुझे बुला रहा है। अब तो मुझे, क्योंकि खानदानी जो दुश्मनी थी मेरे दादा के साथ उसकी, अब ये बादशाह मुझे कत्ल करने के लिए बुला रहा है। क्योंकि क्या होता था कि वारिस को मार दिया जाता था, वारिस को कत्ल कर दिया जाता था, ताकि उसकी नस्ल आगे ना चले। तो वो डर गया, तो उसने सोचा अब ये बादशाह ने मुझे बुलाया इसलिए कि अब ये मुझे कत्ल कर देगा। तो बादशाह उसको क्या कह रहा है, तो वो पूरा आके ऐसे जमीन के ऊपर लेट गया, शायद सोचता होगा आज मेरा आखिरी दिन ही है। और बादशाह ने उससे क्या कहा, बादशाह उसको कहता है, दाऊद ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप यूनतन की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा और तेरे बाप साउल की सारी जमीन तुझे फेर दूंगा और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया करेगा। एक आदमी जो के अगर मैं बात करूं, झुग्गियों का पता किसी को, जो ऐसे बाहर मैदानों में, सिस्टर एस्टर को पता है और बाकी लोगों को मैं देख नहीं सक रही, बहुत ही ऐसे गंदी सी हालत में, बहुत ही गरीबी की हालत में, बदबू वाली जगहों पर वो रहते हैं और उनको कोई फ्यूचर पता नहीं होता उनका। उनको लगता है उनको, उनकी जिंदगी यही होती है कि झुग्गियों में रहना है, यहीं पे पास्ट है, यहीं पे प्रेजेंट है, यहीं पे फ्यूचर है। और कौन उनको पूछता है जाके, कोई भी नहीं पूछता। तो ऐसी ही कुछ हालत जो थी वो मफीबोशेत की भी थी, यूनतन के बेटे की भी थी। तो क्या हुआ कि वो इतना हैरान परेशान कि मेरी ऐसी हालत गंदी बदबू वाली और एक बादशाह मुझे बुला रहा है। तो ऑब्वियसली उसने तो सोचना ही था कि मेरे अंदर ऐसा, ऊपर से वो लंगड़ा भी था, तो उसने ये तो सोचना ही था कि बादशाह ने मुझे सिर्फ मरवाने के लिए बुलाया है, वरना मेरे अंदर तो ऐसी कोई खूबी, कोई खासियत है नहीं है कि मैं बादशाह के हजूर जाऊं और मैं इवन बात भी कर सकूं। हालेलुया। तो क्या हुआ, दाऊद उसको कहता है, दाऊद बादशाह कहता है, तू डर ना, मैंने तुझे मारने के लिए, कत्ल करने के लिए नहीं बुलाया, पर मैंने तेरे ऊपर मेहरबानी करने के लिए बुलाया। मेहरबानी क्यों करनी थी, क्योंकि दाऊद ने यूनतन के साथ कवनेंट बांधा हुआ था कि जो सब मेरा है वो तेरा होगा और जो तेरा है वो मेरा होगा। तो अभी वो टाइम था उस कवनेंट को पूरा करने का कि जो सब कुछ उसके पास है वो उसे उसको दे। बाप उसका जिंदा नहीं है लेकिन उसका बेटा है, तो उस कवनेंट को उसे पूरा करना, वो उस कवनेंट को पूरा करने की खातिर कह रहा है कि मैं तेरे बाप साउल की जो सारी जमीन है तुझे फेर दूंगा। हालांकि साउल उसका दुश्मन है लेकिन वो फिर भी साउल की सारी जमीन, सारी जायदाद उसके पोते को लुटा रहा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो क्या होता है कि जैसे मेफीबोशेत को दाऊद ने वहां से निकाला, उस गंदगी से निकाला, स्लम से निकाला उसको, ऐसे ही खुदावन ने हमें गुनाहों की दलदल से निकाला है। हमें तो कवनेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ये क्या होता है, हम कौन थे, गुनाहों की दलदल में धसे हुए, शैतान के प्लान्स में फंसे हुए, हमारे माइंड करप्ट थे, हमारे दिल बस बुराई ही करनी है, इसने ऐसे किया इसको 10 बार ऐसे करके आऊंगा। तो क्या था, हम भी वैसी गंदगी में फंसे हुए थे और मसीह ने आकर हमें वहां से निकाला है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ना सिर्फ मोहब्बत की जान से भरकर बल्कि जान ही दे दी हमारे लिए, इससे बढ़कर और किसी को लिए कोई क्या कर सकता है। हालेलुया, तो हम खुदावंत का शुक्र करते हैं उस बड़े वादा के लिए, उस बड़े अहद के लिए, उस कवनेंट के लिए जो उसने हम जैसे लोगों के साथ बांध लिया और हमें वो अथॉरिटी दे दी हुई है। अगर हम कवनेंट में हैं तो सेम चीजें हमारे पास हैं। हालेलुया, खुदावंत का शुक्र हो। अच्छा, वो निकाल के अब ले आया है मेफीबोशेत को, तो उसने कहा तू मेरे साथ बैठ कर खाना खाएगा। कहां पे ऐसे जीरो, कहां पे आप इतने ऊंचे दर्जे पे पहुंच जाते हो कि तू मेरे साथ मेरे टेबल के ऊपर बैठ के खाना खाया करेगा। गरीबी में तो शायद अक्सर लोग कहते हैं इतने गरीब हैं कि बस अचार ही मिलता है रोटी खाने के लिए। और कहां पे आप ऐसी जगह पे पहुंच जाते हो
कि आप बादशाह के टेबल पर बैठ के खाने के काबिल हो। कहाँ पे वो अचार से खाना और कहाँ पे बादशाह के टेबल पे खाना, इतनी अच्छी अच्छी डिशेस और वो, ओ माय गॉड, हालेलुया, खुदावंद आपका शुक्र करते हैं इस बड़ी बड़े कॉमनेंट के लिए। ओहो, तो क्या होता है, हमारी जिंदगी बदल जाती है, हमारी पहचान बदल जाती है, हमारे रवैये बदल जाते हैं। और अब अगर वो स्लम से निकल के आ गया, उन झुग्गियों में से निकल के आ गया, तो वो वैसे के कपड़े नहीं पहन सकता जैसे वो पहले पहनता था। अब उसको रॉयल लोगों की तरह रहना है, वैसे कपड़े पहनने हैं। तो पहचान उसकी बदल गई कि नहीं बदल गई? फिजिकली अपीयरेंस भी उसकी चेंज हो गई है। सारी धन दौलत जो बाप के जमाने में खो बैठा था वो भी सब मिल गया वापिस। फिर भी बादशाह कह रहा, तू मेरे साथ फिर भी, तू ये सब चीजें तो ले, लेकिन उसके बावजूद तू मेरे तख्त, तू मेरे टेबल पे बैठ के मेरे साथ खाना खाया करेगा। हालेलुया। आज कोई अमीर बंदा हमें बुला लेता है अगर, तो हम बड़े खुश होते हैं, किसी को फोन करके कहते हो उसके घर में गया था खाना खाने के लिए, उसने मुझे बुलाया हुआ था। हम इसी में बड़े खुश हो जाते हैं कि इतने बड़े बंदे ने सिर्फ मुझे खाने पे इन्वाइट किया हुआ है, लेकिन वो बड़ा बंदा खुदा ने हमें खुद बनाया हुआ है कि हम किसी को इन्वाइट करें। तो जैसे वो कहता है कि मफूबसत कहता है, तेरा बंदा है क्या? कहता मेरी तो औकात एक मरे हुए कुत्ते जैसी है, मुझे तो कोई पूछता नहीं है, मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, और एक बादशाह तू मुझे कैसे बुला रहा है? तो वो क्यों बुला रहा था? कमनेंट की वजह से। और ऊपर से मैंने आपसे जैसे कहा कि वो लंगड़ा भी था, किसी के काम का तो है नहीं था, तो लेकिन खुदा ने उसको कहां से उठा के कहां बिठा दिया? सिर्फ उस कवनेंट की वजह से। और वो कवनेंट जो दाऊद ने याद रखा, हालेलुया, खुदावंद आपका शुक्र हो, बादशाह के साथ बैठा, हालेलुया। तो ऐसे ही एक एग्जांपल हमें मिलती है जब हम लोगों ने, आदम और हवा ने नाफरमानी की, तो क्या हुआ? बागी अदन से बाहर हो गए। मगर मसीह ने दोबारा आकर ना कि हमें सिर्फ बागे अदन में लेकर गए वापस, बल्कि अपने तख्त पर बिठाने का भी वादा किया उन्होंने हमारे साथ। बागे अदन से बढ़कर खुदा का तख्त, उन्होंने कहा तुम मेरे साथ मेरे तख्त पर बैठकर फरिश्तों का इंसाफ करोगे। तो क्या ये हमारे लिए एक छोटी बात है? हम बहुत बड़े कमांडेंट में हैं, बहुत बड़े कमांडेंट में। ऐसे ही गैर कौमें हमारा पीछा नहीं करती, ऐसे ही गैर कौमें आके हमारे ऊपर बातें नहीं करती कि ये लोग ऐसे और ये वैसे, क्योंकि हम इतने बड़े कमांडेंट में हैं जिसकी उन्हें समझ ही नहीं है। और खुदा का शुक्र करते हैं आज इस बड़े कमांडेंट के लिए, इस बड़े रेवलेशन के लिए जो खुदावन ने हमें दिया है, कि हमें अपनी पहचान मिल गई कि यस आई एम समथिंग, नॉट जस्ट समथिंग, मैं तो खुदा का बेटा हूं, मैंने तो तख्त के ऊपर बैठना है खुदा के साथ जाकर, हालेलुया। और एक कवनेंट की हमें एग्जांपल मिलती है मैरिज की। जब हमारी शादी होती है तो उस टाइम भी हम एक कवनेंट में बंध जाते हैं खुदा के सामने, उसके हजूर में खड़े होकर हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कवनेंट बांधते हैं कि मैं तेरे दुख सुख में साथ दूंगा, और जो कुछ हस्बैंड का है वो वाइफ का होगा, और जो वाइफ का है वो हस्बैंड का होगा। और अगर हम फिर वेडिंग रिंग्स एक्सचेंज किए जाते हैं, जैसे यूनतन ने अपनी पोशाक, अपना कमरबंद दाऊद को दिया, ऐसे जो वेडिंग रिंग्स हैं वो चेंज किए जाते हैं, और वेडिंग रिंग का कोई शुरू कोई एंड नहीं है, राउंड है। तो इसका मतलब है कि जब तक आप इस जमीन पे जीते हो, आप अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ आपने वफादार रहना है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं दिख रहा आपको कि नहीं मैंने इतने साल रहना है, इतने साल के बाद मैंने छोड़ देना है। आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसका कोई एंड है नहीं है जब तक आप इस जमीन पे जीते हैं, हालेलुया। और उसका जो एक और हमें एग्जाम्पल मिलता है कवनेंट का, बहुत सारे लोग अनमैरिड भी बैठे हुए हैं, लेकिन मैरिड लोग जो हैं वो सब जानते हैं कि कवनेंट के बाद जब हम फिजिकल रिलेशनशिप करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें भी ब्लड कवनेंट आता है। तो आपकी क्या होता है, ब्लड कवनेंट जब आता है उसमें
सोल टाइज हो जाती है, आपकी रूह एक हो जाती है, रूह जान बदन आपका एक हो जाता है और आप उस कमनेंट में बंध जाते हो फिजिकली तौर पर भी। हालेलुया। तो अगर हम अपनी मैरिज से हटके किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं तो हम उस कमनेंट से निकल जाते हैं, हम उसको कायम नहीं रखते। कमनेंट तो बंध गया लेकिन अब उसके कुछ सूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और अगर वो सूल आप फॉलो नहीं करेंगे फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी आपको बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे खुदावंद कह रहे हैं कि वो उनके ऊपर रहम करता जो उसके हुक्मों को मानते हैं। हुक्मों को मानना, कवनेंट में तो आप हैं लेकिन उसके हुक्मों को मानना है, कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कवनेंट के, उसके हुक्मों को मानना है हमने, उसके कलाम के ऊपर चलना है। ठीक है, हालेलुया। खुदावंद आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले और आपका नाम ऊंचा हो। जैसे मैंने आपको कहा कि रिंग का कोई एंड नहीं है, तो आपके रिश्ते का जब तक हम जमीन पे जीते हैं एक दूसरे के साथ एंड नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है उसको ना के किसी और के पास जाकर काउंसलिंग कराएं कुछ करें, बल्कि खुदा के बंदों के साथ आएं, देखें कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, बाइबल हमें इस कमनेंट के बारे में क्या समझाती है। तो उसके ऊपर हमने चलना है, उसको हमने मानना है और उसके नाम को ऊंचा करना है। इस कमनेंट में हमने बने रहना है। खुदामंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे और आप इसको समझ सकें, जान सकें, इसमें बने रहें और दूसरों को समझाने का वसीला बन सकें। आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करिए, हम दुआ करेंगे। हालेलुया।